बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो आरू। लास्ट रोटी है बनाने की, यहाँ मेरा बैगन का भरता दाल फ्राई कर। सो गाइस, यहाँ पापा नहला के दे रहे हैं, बात कर। इतना परेशान किया इसने आज मुझे, ऐसा लग रहा था क्या कुछ भी नहीं हो सकता इसको देख देख के। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो अभी बैकग्राउंड चेंज हो गया अभी के व्लॉग का, क्योंकि मैं आ गई हूँ नागपुर, जो कि मुंबई घूमने गई थी। और मुंबई से आए हुए ना 10-12 दिन हो गए हैं, और जैसे आई वैसे हमारे हाउस ओनर की यहाँ शादी थी, तो शादी इंजॉय की। उसके बाद में जो मेरे मतलब हाथ पैर रोज के जो दर्द कर रहे हैं यार, हर दिन ऐसे लग रहा है मैं बस सो के उठ रही हूँ और फिर से हाथ पर मेरे दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और जहाँ मैंने वहाँ जो व्लॉगिंग किया था वही के मैं वीडियो एडिट करके डाल रही थी, और सोचा था कि वहाँ भी बहुत सारा व्लॉगिंग करूँगी, मार्केट का, शॉपिंग का, नाइट व्यू का, फिर शिल्पा के रूम का, बिल्डिंग का, लेकिन इस बच्चे के वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि क्या हो रहा था ना, ये हमेशा मेरे पास ही रहने को बोल रहा था, और इसको पकड़ पकड़ के व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मामी के पास नहीं जा रहा था, शिल्पा के पास नहीं जा रहा था, तो इसको पकड़ पकड़ के मैं व्लॉगिंग करती थी। और एक मतलब ये रहता है ना रिस्क की, ये यहाँ मत जाए वहाँ मत जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतने बड़े शहर में इसको लेके जा रहे हैं तो सेफली घर पहुंचाना है, नहीं तो मेरी माँ मुझे मार डालती। पहले वो बोलते रहती कि छोटे बच्चे को लेके यहाँ वहाँ मत घुमाकर मत घुमाकर, लेकिन अब क्या करें, घूमने की आदत है तो चले जाती हूँ। और यहाँ है हमारे सर जी, गुड मॉर्निंग बोलो सर जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम ये बोल रहे थे कि तुम लोग मुंबई गए थे तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, बताओ अपने क्या व्यूज है। तो ऑब्वियसली फैमिली को मिस ही करते हैं ना, 3-4 दिनों के लिए मुझे छोड़ के चले गए थे घूमने, और हम तो घूमने में इतने बिजी थे कि हम लोग को याद करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि दिन में भी घूमते थे रात में भी घूमते थे, क्योंकि दिन हमारे पास 4 ही थे और उनमें से भी हम 3 दिन घूमे, और लास्ट दिन सिर्फ हम थोड़ा सा शॉपिंग किए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, मैंने तो कम की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान घर में पड़ा हुआ है, तो मुझे शॉपिंग करना ही नहीं था। मेरा मेन मोटिव ये था मुंबई जाने का कि हम लोग जो डोंबिवली में रहते थे ना, वहाँ हमारे जो पड़ोसी थे वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो उनसे मुझे मिलना था, सो मैं उन्हें बिना बताए उनको सरप्राइज देने के लिए वहाँ मुंबई में चली गई थी। और फिर जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वो बोले कि मैं मुंबई में हूँ लेकिन मैं दूसरे एरिया में हूँ, सिस्टर के यहाँ शादी है तो शादी अटेंड कर रही हूँ और वहाँ से आना मुश्किल है, तो मेरा इस बार भी मिलना पॉसिबल नहीं हुआ, और बिना मिले ही वापस आ गए, बोले कि तुम नेक्स्ट टाइम प्लान करो और इस बार बता के आना। सो मोए मोए हो गया मेरे प्लान का। और यहाँ मेरा है बच्चा, और ये ना धूप की वजह से इतना काला पड़ गया है। मुंबई में हम लोग जब घूमते थे ना इधर उधर धूप धूप में, तब तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन इसके स्किन पे इतना फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा उसका स्किन डल हो गया है। और कल इसने नहाया भी नहीं था क्योंकि सुबह नाटक कर रहा था, तो मैं बोली ठीक है शाम को नहला देती हूँ, फिर शाम को ये सो गया, सो कल नहीं नहा पाया। और अभी खा रहा है ऑमलेट और कुरकुरे, और ये है आटा जिससे वो खेलता है, जो कि मैंने उसको भिगो के दे देती हूँ, तो लड्डू लड्डू करके उससे खेलते रहता है। सो अभी करने हैं सुबह के सारे काम, और मुझे हेल्प करने लगोगे कामों में? और बालों की हालत ना बहुत ख़राब हो चुकी है मुंबई में बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी इसका लेना पड़ेगा बालों का, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। सो चलो सुबह के काम में भिड़ जाते हैं, लंच बनाना है, सिर्फ चाय नाश्ता हो गया, अभी लंच बनाना है। आज का आपको मौसम दिखाती हूँ, ना धूप है ना अच्छा, मतलब बादल तो है लेकिन ना बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। सो बाहर जाने का भी मन कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत जो गर्मी हो रही ना ह्यूमिडिटी की वजह से, तो उसके वजह से बाहर जाने का भी हमने स्किप किए है, क्योंकि शाम को इनकी ड्यूटी भी है। सो देखो वो मुझे बिना बताए बर्तन धोने लग जाते, क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ, फॉर्म भरा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पढ़ाई चालू इसलिए थोड़ा हेल्प करने लगते हैं मुझे। सो मैं बनाऊंगी अभी खाना, और फ्रिज में देखते हैं कि क्या बनाना है। और ठीक है आज बैगन का भरता बनाते हैं।
बैगन का भरता बनाओ या फिर बैगन और सेमी भरता बनाओ ना, ये इनका फेवरेट है मुझे पता है। ये और ड्रमस्टिक, और पहले मैंने डिसाइड किया था कि पालक बनाओ, लेकिन पालक इनकी दुश्मन है। हाँ ये दाल में पालक खा लेते हैं, मतलब दाल पालक खा लेते हैं, लेकिन ऐसे सब्जी नहीं खाते स्पेशल पालक की। सो बैगन का भरता बनाऊंगी और दाल पालक बनाऊंगी, क्योंकि पालक में आयरन होता है तो मुझे लगता है कि खाना चाहिए, इसलिए मैं ला भी लेती हूँ घर में पालक। कहानी चल रही है और हेडफोन से यहाँ कहानी सुनते सुनते वो काम करते हैं, और ये कहानी है ना क्राइम तक वाली है, जो मुझे भी पसंद है। इसको सुने बिना मुझे नींद नहीं आती, रात में इसको सुन के ही मैं सोती हूँ। और यहाँ पानी गिरा दिया था अरविक ने, तो इसलिए मैं कपड़ा रख गया है, और हवा इतनी आ रही खिड़की से। एक मिनट, कॉल किसका आ रहा है? दीपेश, दीपेश देखिए यहाँ दाल रख दिया है, और यहाँ बैगन टमाटर भूंजना है, और हवा आ रहा है इसलिए ये आग इधर उधर जा रहा है। पैसे यार फोन छोड़ के अपना फ्रिज में घुसा हुआ है। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो आरू। अब गलती से अगर फ्रिज खोल देती हूँ ना, हमेशा फ्रिज के अंदर ही चले जाता है। देखो यार क्लीन हो गया सारा कुछ, कर दिया मेरे हस्बैंड जी ने, क्योंकि मुझे टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे दाल पक रही है मेरी, और यहाँ ये बैगन का भरता बना रही हूँ मैं। अंडा फोड़ दिया, और अब देखो कौन सी करामत कर रहा है, खुद से ही पकड़ लिया और उसको मिक्स कर रहा है। और बता, हो गए काम सारे घर के? अभी क्या बाकी है? ये काम एक इधर आ जाओ, ड्यूटी का स्टेटस बताओ अपने। 17-18 बजे आएगा शाम को ना? ओके, तो हम तब तक खाना बनाते हैं और फिर बाद में नहा धो के रेस्ट करते हैं, और ये बदमाश चालू रखेंगे अपनी। लास्ट रोटी है बनाने की, यहाँ मेरा बैगन का भरता, दाल फ्राई करना है और चावल बन। अब उसको मत डालना, अब इसको वॉश करना है पहले। अभी हो गया ना बेबी, मैं बना दूंगी ऑमलेट, ये लो। अब खेलने दो यार, अगर खेलने नहीं देंगे ना तो ये कुछ भी करने नहीं देता। सो गाइस, यहाँ पापा नहला के दे रहे हैं, बात करा रहे हैं अरविक का। अरविक, अरविक, अरविक से हेलो। वो बोलते हैं कि मैं अच्छे से नहला नहीं देती हूँ, सो पापा बातिंग करा के दे रहे हैं। सो गाइस, पापा ने कर दिया आर्विक को रेडी, और ये फिर से एक ऑमलेट बना है, क्योंकि अंडा इसने फोड़ दिया था फ्रिज में घुस के। सो ये यहाँ टिकली लगा रहे हैं उसको पाउडर वगैरह, और फिर आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान हम करना चाहिए। तुम नहाओगी नहीं? नहीं, शाम से पहले। हाँ ये रात में 12 बजे ड्यूटी करके आए थे, तो रात में ही नहा लिए थे। और चलो अभी फिर खाना खा लेते, और मेरे बचे हुए काम, इसलिए मैं अभी नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे इनका यूनिफॉर्म धोना है, और कुछ कपड़े हैं जो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन से धोना मुझे पसंद नहीं है। सो बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे हाथ से धोना है, इसलिए टाइम हो चुका है, इसलिए पहले मैं खाना खा लूँगी यार, क्योंकि खाना मस्ट है मेरे लिए, नहीं तो ताकत ही नहीं रहती है। क्योंकि नाश्ते में मैंने सिर्फ बिस्किट लिया था चाय के साथ में, इसलिए खाना खाऊंगी उसके बाद में काम करूंगी, और तुरंत खाना खाने के बाद ये काम नहीं करूंगी, थोड़ा सा रुकूंगी, थोड़ी सी पढ़ाई करूंगी बीच में, और फिर कपड़े धोऊंगी। और चलो अभी खाना खाते हैं। सो गाइस, फाइनली फैमिली मिल कर गई है हम लोग लंच, और यहाँ देखो हमारी रोटी दाल, और ये है भरता जो कि दिखने में टेस्टी दिख रहा है, हम टेस्टी बना लिए। और ये आर्विक का खाना जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आर्विक ने देखो पाउडर किस तरीके से लगाया पापा ने इसको, ना चावल बहुत ज्यादा पसंद है, दाल चावल इसका फेवरेट है, और थोड़ी सी सब्जी मिक्स करा के देती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जी वो खाता है नहीं।
सो गाइज अभी बज रहे शाम के 4 और पायलट सर सोकर उठ गए हैं। दोपहर में सो गए थे, कितने घंटा सोए थे तुम? 3 बजे सोए थे? 12:30 बजे सोने गए थे और 3 बजे उठ गए हैं और अभी बज रहे 4। लेकिन मैंने नहाया नहीं था क्योंकि आदमी कितना परेशान कर रहा था। मैं जब भी वॉशरूम में जा रही थी मेरे पीछे पीछे पानी खेल रहा था, पढ़ाई कर रही थी तो पेन पकड़ रहा था। यार इतना परेशान किया इसने आज मुझे, ऐसा लग रहा था क्या कुछ भी नहीं हो सकता इसको देख देख के। सो कुछ भी प्रोडक्टिव डे नहीं रहा मेरे लिए आज, बहुत ही टाइम पास हुआ आर्मी के साथ में क्योंकि इनके बैग को हाथ लगा रहा था, कभी पेन इधर से उधर लिख रहा था। सो बहुत देखना पड़ा इसको। और अभी रखा है मैंने चाय क्योंकि ये उठते ही चाय चाय पीछे लग जाते हैं मेरे। और एक क्या हुआ इनके साथ में बता? मोए मोए हो गया। नहीं मतलब मेरे दोस्त है ना, मतलब बचपन का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, उसके पिताजी की डेथ हो गई थी मतलब 10-12 दिन पहले। तो वो मतलब उनको हार्ट अटैक आया था तो दिन में ही उनकी डेथ हो गई। तो वो भी, वो पुणे में रहता है तो, और वो गोंदिया हमारा नेटिव प्लेस है तो उतनी इतनी हड़बड़ी में बता नहीं सका। मतलब लास्ट डे मतलब जिस दिन लेके जाने वाले थे उस दिन मैं ड्यूटी पे था, उस दिन बताया। तो आपको तो पता है लोको पायलट तो बाहर ही रहता है तो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं जा सकता था। तो फिर मैं बोला वो भी अंडरस्टैंडिंग था तो उसने मैं बताया इतने जल्दी कोई भी जा नहीं सकता। नहीं बोलो तो भी 3 घंटा लगता है ट्रैवलिंग को और ये ड्यूटी पे थे उस दिन, बाहर थे, आमलाट थे। तो अभी फिर उसने कार्ड भेजा, मतलब 13वीं का प्रोग्राम है तो मैं 13वीं का प्रोग्राम था तो मैं एडजस्टमेंट ड्यूटी करते करते कर, मतलब बहुत दिनों से ड्यूटी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि 3 तारीख को छुट्टी लेना है ऐसा इनके माइंड में चल रहा था। और कल था 3 तारीख और सुबह से एक बंदे का फोन आ रहा था, मतलब दूसरे लोको पायलट का इनको, कि भैया मुझे आज की ड्यूटी दे दे, एडजस्टमेंट दे दे आज का। तो इन्होंने बिल्कुल भी दे नहीं रहे थे उसको, बहुत पीछे लगा था फिर भी नहीं दिए। और अभी जब मैं नहा के वॉशरूम से आई तो अभी बता रहे कि इनकी ड्यूटी नहीं, ड्यूटी नहीं सॉरी, जो 13वीं है वो 4 तारीख की है। तो बोली जल्दी से ऑफिस में फोन करो, यही अच्छा है अभी से क्योंकि इतने दिनों का जो तुमने शेड्यूल बना के रखा है कि 13वीं में जाना है तो वो आपको जम सके। सो अभी कर लिए इन्होंने एडजस्ट वैसे फोन करके, तो चलो अभी नेक्स्ट चाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो घड़ी में बज रहे हैं 7 और इनकी ड्यूटी लग चुकी है, इनको ट्रेन लेकर जाना है नागपुर से आमला। और अभी देखो शाम हो चुकी है 7 बजे और मैंने आटा निकाल लिया है और आज ना टिफिन नहीं देना है क्योंकि डायरेक्ट खाना खाकर जाने वाले हैं क्योंकि अभी शाम ही है, 8:15 बजे उनको निकलना है तो क्या ही टिफिन लेके जाएंगे। और वहाँ तो जाने के बाद उनकी ड्यूटी चालू भी हो जाएंगी सो वहाँ वो सुबह तक पहुँच जाएंगे और उधर से फिर तो कैंटीन का खाना ही खाना है। सो मैंने आटा गूंद के रख दिया है और सब्जियां निकाल ली है, उनको मैं तोड़ रही हूँ, सेमी फली है। और उतने में ही ये बोलने लगे कि चावल जल्दी से रख दो तब तक के, नहीं तो फिर गरम गरम खाना पड़ता है और गरम गरम खा के जाना पड़ता है तो बहुत घाई घाई होती है, अच्छे से खा के होता नहीं है। तो मैंने एक साइड में चावल भी रख दिया है और एक साइड में बना रही हूँ मैं सब्जी। और मेरी ना आदत है मैं पहले भगोना गैस पे रख देती हूँ और बाद में सारी चॉपिंग करते रहती हूँ। और मेरी मम्मी दीदी लोग हैं ना वो क्या करते हैं, मतलब मेरी सारी सिस्टर भी, छोटी वाली सिस्टर भी, वो पहले सारी चॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद में ही सब्जी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक साइड में रख देती हूँ गैस पे गंजी वगैरह और सब्जी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और चॉपिंग कर बाद में कर। 7 बजे आपको पता है कि 10 मिनट आगे है घड़ी और यहाँ देखो आराम से मोबाइल देखा जा रहा है। और कितने बजे निकलना है ड्यूटी के लिए? 8:15 निकलने वाले हैं। और जैसे ही ड्यूटी का फोन आता है ना, मतलब जैसे जैसे टाइम होते आता है वैसे वैसे इनका चिड़चिड़ापन ऐसे बढ़ जाता है कि जल्दी करो, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और अलग ही भूत आता है इनके अंदर में। तो मैंने अपना काम कर दिया है, आपको खाना खाना होगा तो खा लो और निकल जाओ ड्यूटी के लिए, तो पहुंच जाओ। आपको दिखाती हूँ क्या बनाई मैंने। रोटियाँ रेडी है, यहाँ पे 5 रोटियाँ बनाई हैं, चावल भी बना दिया है गर्मा गर्म और यहाँ सब्जी बन रही है।
और दाल जो है मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, जो कि अभी फ्रिज में रखी हुई है, तो शाम को बनाना है पड़ता मुझे दाल। ये देखो दाल बेस को गर्म कर लूंगी मैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और यहाँ सब्जी बन रही है मेरी। तो चलो मेरा काम हो गया, खाना वाना दे दूंगी अभी इनको। और देखिए यहाँ ये रेडी हो चुके हैं ड्यूटी के लिए। और देखो यार, आज की रात भी ये घर में नहीं रुकेंगे, आज की रात भी फुल नाइट ड्यूटी करेंगे और आर्विक और मुझे अकेले सोना पड़ेगा। लेकिन ना ये दिन में रहते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि दिन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं हमारे साथ में। और खाली टिफिन इनको दूंगी मैं, क्योंकि वापस आते वक्त ना वो कैंटीन का खाना साथ टिफिन में लाते हैं, क्योंकि भूखा और थोड़ी रहेंगे ऑब्वियसली आते वक्त। वहाँ कहा वाइफ मिलने वाली है, उनको खाना बना के देने वाली। और बैग पकड़े और निकल गए अपने ड्यूटी के लिए। और जाते जाते उनको एक उनके ALP का फ़ोन भी आया था, उससे बातें कर रहे थे और फिर निकल गए। आर्विक स्टिल सोया हुआ था, तो पापा को बाय करने के लिए वो नहीं था, नहीं तो हमेशा पापा को बाय करते वक्त बहुत मतलब रोता भी है कि पापा मुझे भी साथ ले में लेके चलो, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता।